पूरी प्रयास थी कि भाजपा का मंच हो, अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार को निमंत्रण मिला हो, ये थोड़ा कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए करने वाली मन है बात, तो इसलिए बातें तो आनी चाहिए। सर कैसा रहा बजट सत्र, ये पूरा ओवरऑल क्या कहेंगे? अब इसका आकलन आप लोग कीजिए, पत्रकार लोग करेंगे, अभी छपेगा, अभी कल परसों से जो भी छपेगा। अब इसमें हर प्रयास हुआ कि इनका एक एक सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर के अंदर ही बहुत उथल पुथल मच रहा हो तो राज्य कैसे अछूते रहेंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसी अनुरूप हमारे विपक्षों ने आज यहाँ पर विगत पूरे सत्र काल में जो काम किया है वो भी राज्य के लोगों ने देखा, और जो चीजों को इन लोगों ने बरसों तक अपने पैरों तले दबा रखा था और उसे धरातल पे आने से रोकने का प्रयास होता रहा, वो सभी चीजें बाहर आ रही हैं। राहुल गांधी को 2 साल नहीं, ऐसे निर्णय, ऐसी आदेश हमारे राज्य ने भी देखा, जहाँ सत्ता पक्ष के लोगों की सदस्यता चली जाती है, विपक्ष के लोगों की सदस्यता नहीं जाती। तो मुझे कह सकता है कि जो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को एक इस तरीके का निर्णय, और वो भी राहुल गांधी जी के विरोध में, तो ये निर्णय अपने आप में कई सवाल लेके आ रहा है, और उस सवाल पर चर्चाएं भी हो रही है। मुझे लगता है कि राजनीतिक मंचों पर ये बात सिर्फ, या इस तरीके की बातें सिर्फ राहुल गांधी जी के ही मंच से नहीं बल्कि विपक्ष के कई लोगों के मंचों से आई हैं, अनगिनत लोगों के मंचों से आई हैं, और आने वाले समय में आएंगे भी। और उस समय क्या होगा देखेंगे। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.